कहा तो पंडित जी कान लगे चली जाओ, आए गए अकेले ही आए, कल संग नहीं लाए, चुपचाप चाप चली रही हो आरती की थाली लेकर के पूजा के बहाने से वो तुम्हें ले जाएंगे, चली जाओ। अब रुक्मिणी जी वहां से चली, पूजा की थाली सजाई है, सोचन लगी अब हम वहां से भगवान हमें लेके चले ही जाएंगे। और जब लड़की ससुराल में जाती है तो अपनी मैया के गले से लगके तब जाती है, क्यों नहीं अपनी मैया के गले से मिल लूं। और रुक्मिणी अपनी माँ की जेट भर करके मिलने लगी और रोने लगी, और रुक्मिणी की माँ कहने लगी, बेटी अब ऐसे काहे को रो रही हो, भैया मैं तो बहुत टाइम लगेगा शादी के लिए, बड़ी देर है अभी, देर है, अब ऐसे रोगी इस तरीके से तुम्हारी हालत भी बिगड़ जाएगी, आंखें भी सूज जाएगी, रो नहीं, रो नहीं जाओ, पूजा करे आओ। तो रुक्मिणी अपनी माँ के गले से मिल करके जब चली संग की, वो अकेली चली वहां से, और अकेली अकेली वहां जा रही थी, हुआ ऐसा रुक्मिणी जी अकेली अकेली पूजा करने के लिए जब वहां से आगे बढ़ी है तो रुकुम मिल जाता है रास्ता में, जवाब दिए कहां जा रही हो, रुक्मिणी बोले भैया पूजा करने जा रही हूं, कहां नहीं जाओगी, घर चलो, अब पूजा करने कहीं नहीं जाओगी, जब तुम्हारी शादी हो जाए ना तो वहां करना या नहीं जाऊंगा, भैया आज पूजा करने जा रही हूँ, कल के बाद मैं कल नहीं जाऊंगी, अपनी ससुराल में पूजा कर लिया करूंगी, अच्छा जाओगी मानोगी नहीं, अकेली नहीं जाओगी, दो चार लड़के इनके संग हो जाओ और चली जाओ, पूजा करा के बड़ी जल्दी लौटे आना, देर मत करना, चली जा। अब भगवान ने केवल अकेलो रुक्मिणी को बुलाओ तो रुकुम ने लाइन लगा दी, इधर धीरे धीरे जब रुक्मिणी आगे बढ़ी है तो रुक्मिणी बड़ी अब सोच में पड़ी है, कहीं कन्हैया हमारे धोखे को दूसरे को न लेके चले, क्योंकि भगवान ने किसी रुक्मिणी को कभी देखा ही नहीं था। रुक्मिणी मुंह बनाती वही कौ से बोली रहे चप्पी चप जाए, एक लड़की बोली, दीदी जब हम रुक्मिणी के संग पहले कौ जाता थे तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें कौ करती थी, बड़ा हंसाओ करती थी, आप तो जे कौ से बोलती ना। दूसरी बोली, तू ना मादम हमसे पूछना तो क्यों नहीं बोलने, बोली क्यों ना बोलने, बोली जे जासा ना बोलने इनकी कल शादी है ना, और हमारे शादी के घमंड के वहां चटकी पत्ती जी तुमसे बोलने। और रुक्मिणी जी जैसे ही चली तो भगवान कन्हैया ने दूर से लंबी लान देगी, भगवान कहने लगे आ गई आप, हमने तो अकेली रुक्मिणी को बुलाओ तो पंडित जी ने तो जन लाइन लगा दी, अब हम करें तो क्या करें, कैसे पहचान करें। तो भगवान मन में सोचने लगे, I'm not afraid of the dark.
कन्हैया बड़े असमंजस में पड़े हैं, अब हम ले जाए दुख से ले जाए। और रुक्मणी दुखी थी कहूँ भाई दो के और काम को लेके न चले जाए। तो रुक्मणी के जिस जो हाथ में कंकन था भाई हाथ ऊपर उठाओ और अपनी संग की सहेलियों से पूछा, हरी बहना जब सेना कनकी है, ससपाल की सेना को देख करके बोली, ये सेना कनकी है पर सेना किसकी है, वो सेना किसकी है ये। संग की सहेलियां कर लगी तो ससुराल की सब सेना है। और भगवान ने जब कंकन वालों हाथ देखो तो भगवान समझ गए कि यही रुक्मणी है जिनके हाथ में ताजी ताजी कंकन है। ये रुक्मणी जी अलोपा मैया के मंदिर में घुस जाते हैं।